नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आप मुझसे मेरे YouTube चैनल सीनिक सतपुड़ा पर जुड़े हुए हैं। सतपुड़ा के ढाबे ये जो सीरीज है, इसके अगले पड़ाव पर हम आए हैं जस्सी के ढाबे पर। भोपाल नागपुर हाईवे पर पड़ने वाले बरेठा घाट के पास ही लाभ सिंह जस्सी ढाबा पड़ता है। अब आप इस ढाबे की मकबूलियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहां से होकर गुजरने वाले मुसाफिरों और राहगीरों के लिए ये एक लैंडमार्क का दर्जा रखता है। इस ढाबे के यहां होने की कहानी कुछ ऐसी है कि आज से कोई 30-35 बरस पहले सरदार लाभ सिंह भी अपना ट्रक लिए बड़े मजे से इन्हीं सड़कों पर अप डाउन किया करते थे। फिर हुआ कुछ यूं कि रास्ते के इस मुसाफिर को ये ठौर भाग गया और आखिर में अपने पिंड पंजाब से कई सौ मील दूर आकर उन्होंने यहीं पे बसने का फैसला कर लिया। ये ढाबा 1990 में खुला था। पापा यहाँ ट्रक चलाते थे पहले, उसके बाद धीरे धीरे ट्रक छोड़ा, फिर बस चलाने लगे, बस छोड़ी, फिर ढाबे की लाइन पकड़ी पापा ने 1990 में। भोपाल में रहते थे पापा उस टाइम। चूल देखते ही बैठे हैं यहाँ, कि लोगों को सहूलत मिलेगी, खाना पीना मिलेगा। उस टाइम ढाबे कम होते थे, इसलिए फिर यहाँ ढाबा उसी टाइम खोल के बैठ गए। हमारे को अच्छा लगता, पंजाब यहाँ ही बन गया हमारा घर, यहीं रहते हैं इतने सालों से, 30 साल हो गए यहीं बैठे बैठे, तो यहीं अच्छा लगेगा। किसी वक्त जस्सी अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन पिता की मोहब्बत और इस ढाबे की विरासत संभालने के लिए उन्हें अपने मन को बदलना पड़ा। बेसिकली हम मोहाली डिस्ट्रिक्ट, हमारी चंडीगढ़ के पास रहते हैं हम लोग। यहाँ पे 1990 में आए थे, मैं 4 साल का था जब यहाँ आए, हम लोग आए हैं। मेरी स्टडी भी यहीं हुई है, आज मैं MBA कंप्लीट हूँ मेरा, और बाकी पापा के साथ ही काम देखता हूँ मैं। तो MBA करने के बाद आपने क्या बाहर जाने का ऐसा सोचा नहीं? सोचा था, एक बार इंटरव्यू भी दिया, पर बाद में पता चला कि 10-5 हज़ार रुपये के लिए क्या, पापा के साथ ही सही है, पापा अकेले हैं, इसलिए पापा के साथ में ही हाथ बटाया जाए। इस ढाबे के साथ एक अलग चीज ये देखने को मिलती है कि इस दौर में भी इसने अपना पुराना अंदाज नहीं बदला है। हाईवे किनारे बने क्लासिक ढाबों की झलक यहाँ पर आज भी देखी जा सकती है। लंबी दूरी तय करके आने वाले ट्रक ड्राइवर बिना झिझके यहाँ खाने और फ्रेश होने के लिए रुक जाते हैं। हालांकि फैमिली के लिए भी यहाँ पर अलग से बैठने के इंतजाम है, और जस्सी बड़े जोर देकर ये बात बताते हैं। फैमिली के लिए ये एरिया फैमिली का ही है, इधर ट्रक वालों का एरिया है, ये साइड फैमिली एरिया है। सेफ, मतलब फैमिली के लिए सेफ है ये जगह। कोई किसी को, कोई फैमिली ट्रक का सेपरेट है, फैमिली का सेपरेट है। इसके बारे में हमने सुना था और मुझे मेरे दोस्तों ने भी बताया था कि अगर आप वहाँ जा रहे हो खाना खाने तो सेव टमाटर और दाल तड़का ज़रूर खाना। तो मैं जब भी आया हूँ, अभी तक तीसरी विजिट हो चुकी है मेरी, और मैं दाल तड़का और सेव टमाटर ही खा रहा हूँ, क्योंकि सबसे बेस्ट वही है। अगर आप देख सकते हो तो हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है, हम लोग और मंगवाने वाले हैं। सो जस्सी ढाबा उसी के लिए फेमस है। और जब भी आप अगर बैतूल या नागपुर से भोपाल तरफ जा रहे हैं, तो ये बैतूल से आगे पाडर के थोड़ा पास में आपको ये ढाबा मिलेगा, जस्सी ढाबा, और यहाँ पे आप जरूर आइए खाना खाने। सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स और फैमिली वालों के बीच में ही नहीं, बल्कि स्कूल या कॉलेज जाने वाले यंगस्टर्स के लिए भी ये ढाबा खाने पीने और पार्टी करने की जगह के तौर पर पॉपुलर है। खासकर वाजिब दाम में मिलने वाला फूड इन्हें यहाँ पर खींच लाता है। ऐसा ही कुछ मार्केटिंग में काम करने वाले युवाओं के साथ भी है, जो कि अपना रोज का लंच बड़ी आसानी से यहाँ पर खाना अफोर्ड कर लेते हैं। जस्सी ढाबा हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस है MP में, मतलब बैतूल की अगर बात कर ले तो बैतूल से काफ़ी सारे लोग आते हैं, मतलब जस्सी ढाबे पे। हम लोग भी अभी मतलब काफ़ी दूर से आए हैं, हम लोग हमने 1 घंटे का सफ़र किया जब हम यहाँ आए हैं, मतलब दूर दूर तक फेमस है ये ढाबा। और सर, हम यहाँ पर जैसे कभी इधर जाना है, कोई इटारसी, होशंगाबाद, भोपाल जैसे जाना होता है, तो मतलब ना चाहते हुए भी जस्सी ढाबे पे खाने का मन होता है बिल्कुल, या तो फिर प्लानिंग करके यहाँ खाना खाने के लिए आना पड़ता है। और खाने की क्वालिटी इतनी बेस्ट है,
और एकदम रिजनेबल रेट में बहुत ज़ोरदार खाना बनाते हैं सर। कितने समय से आ रहे हैं आप यहाँ? हम यहाँ काफ़ी टाइम हो गए, 5 साल हो गए कम से कम, जब से मतलब फर्स्ट टाइम हमने खाना खाया था। उसके बाद से जब भी इधर आना होता है या फिर उधर से जैसे बैतूल से भी आना है तो प्लानिंग करके यहीं पर आते हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो बचपन से जब से हम जानते हैं, जब से समझ आई है खाने में और जैसे बाहर जाते हैं तब से हम यहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं कोई अदर ढाबे पे, बस यहीं पर। इस ढाबे के सामने पार्किंग के लिए अच्छी खासी जगह है, जहां एक साथ बीसियों ट्रक और कई गाड़ियां खड़ी रह सकती हैं। वैसे भी ये हाईवे 24 घंटे बिजी रहता है और इसी वजह से जस्सी के इस ढाबे पर दिन चढ़ते ही कस्टमर्स का आना शुरू हो जाता है। इनमें ड्राइवर्स भी शामिल होते हैं और आसपास के लोग भी। अगर हम खाने की बात करें तो यहाँ की सेव भाजी और दाल तड़का कस्टमर्स को ज्यादा पसंद है, खासकर सेव भाजी के चाहने वाले तो दूर दूर से यहाँ चले आते हैं। मैंने किचन में जाकर पता लगाने की कोशिश की कि आखिर दाल तड़का और सेव भाजी पर ऐसा क्या जादू कर दिया जाता है कि लोग इसे इतना पसंद करने लगे हैं। दाल तड़का बनाने का तरीका सामान्य ही है, वही जीरा प्याज और हरी मिर्च के साथ कुछ पाउडर वाले मसाले तेल में भूनकर उसमें पहले से गलाई हुई दाल डाल दी जाती है। बाद में फिर से थोड़ा तेल गर्म कर 2-3 सूखी हुई लाल मिर्चों के साथ कुछ और मसाले भूनकर बनाए गए तड़के को प्लेट में रखी दाल पर डाल दिया जाता है। इसी तरह सेव भाजी बनाने का तरीका भी बहुत आसान लगा, लेकिन इसमें कुक ने मेरे सामने खास मसाला भी मिलाया। थोड़ी देर बाद में पनीर बनाते वक्त भी इसी खास मसाले का इस्तेमाल किया गया। जब मैंने जानना चाहा कि ये स्पेशल मसाला क्या है तो कुक ने कोई भी डिटेल देने से इनकार कर दिया। जवाब इतना था कि ये एक सीक्रेट मसाला है। मसाला ये है क्या? ये हमारा मसाला है, वो बता नहीं सकते। मूल रूप से जो मैं हूँ मध्य प्रदेश से ही हूँ, एमपी से ही हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे लिए हमेशा से एक बहुत बड़ा मेरे मन में ये विषय हमेशा कौंधता रहता है कि लोगों को सेव भाजी जो है वो इतनी ज़्यादा क्यों पसंद आती है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं रही है, लेकिन क्योंकि जस्सी भाई का ये जो ढाबा है यहाँ पर सेव भाजी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, लोग आते हैं दूर दूर से खाने, तो मैं वही चाह रहा था खाकर देखना कि दरअसल ये लगती कैसी है। अच्छा टेस्ट है इसका, तेज़ है, मिर्च है, मसाला है, बढ़िया। साथ में मेरे क्योंकि ये पूरा फुल लंच में कर रहा हूँ, सुबह से शूट पर हूँ, मसाला पनीर और जगहों पर जो पनीर मैंने खाया है उसके मुकाबले जो मसाले की जो ग्रेवी है ये मुझे थोड़ा अलग लग रही है, और जो स्पेशल मसाला कुक ने डाला था, मैंने उससे पूछा कि ये स्पेशल मसाला होता क्या है, इसमें क्या डाला है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं। सीक्रेट रेसिपी है उनकी शायद, वो मसालेदार होने के साथ साथ हल्का सा थोड़ा सा टेस्ट में एक खटास है,
जो इसे काफ़ी थोड़ा डिफरेंट बनाती है। और पनीर जो है ये लोग खुद यहीं तैयार करते हैं ढाबे पर, अच्छा है। साथ में दाल तड़का, जो कि ढाबे वाली दाल है, ये ढाबे वाला दाल तड़का, तेज मसालों से बनाए। तीखा है, मसालेदार है, हरी मिर्च के साथ साथ इसमें तड़के में इन्होंने लाल मिर्च भी डाली है, सूखी हुई जो होती है वह तीखी होती है आमतौर पर, आमतौर पर क्या हमेशा तीखी होती है। सो मैं लंबे समय से यहाँ रह रहा हूँ लेकिन कभी इस ढाबे पर मेरा आना नहीं हुआ, पहली बार मैं आया हूँ। और ढाबों पे जो सीरीज़ कर रहा हूँ इसको लेकर ही मैं यहाँ आया, और ये अच्छी जगह है। आप जैसे कि और भी कस्टमर से मैंने जाना है कि दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर आते हैं। इस ढाबे पे जो एक और चीज़ है वो है यहाँ की छाछ। ये जो भी यहाँ खाना खाने लोग आते हैं उसके साथ ये ढाबे की तरफ से ही दिया जाता है। अद्भुत स्वाद है इसका। ये बिल्कुल सच है कि सेव भाजी मुझे कतई पसंद नहीं, लेकिन यहाँ खाने के बाद मैं समझ सकता हूँ कि क्यों ये डिश लोकल्स के बीच इतनी पॉपुलर है। अगर सीक्रेट मसाले जैसा वाकई में कुछ है तो जस्सी ढाबे को अपने सीक्रेट को सबके सामने लाना चाहिए, क्योंकि अच्छे स्वाद पर सबका हक बराबर है। यहाँ पर जो लंच मैंने किया उसमें सबसे ज्यादा मजा मुझे छाछ पीने और एकदम ताजा बटर खाने में आया। ऐसी छाछ और ऐसा बटर मैंने इससे पहले किसी भी ढाबे पर टेस्ट नहीं किया था। बटर मिल्क फ्री सेवा है हमारी तरफ से, बाकी बहुत उस चीज़ के लिए लोग मेन तो उस चीज़ के लिए आते हैं। दिन भर दूध गर्म होता है, फिर उसके बाद शाम को दही जमाते हैं, फिर सुबह दूध का मही बनता है दही का, फिर मक्खन निकलता है, उसके बाद फिर परोसा जाता है उसको। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।